नमस्कार, मैं हूं सिकंदर और आप देख रहे हैं न्यूज़ रूम पोस्ट। हमारे देश में चिन्हों और प्रतीकों को लेकर राजनीति का जो दौर शुरू हुआ है वह अब फैलता ही जा रहा है। कुछ दिन पहले कर्नाटक में हिजाब विवाद, उससे पहले विभिन्न शख्सियतों के मूर्तियों को लेकर सियासत, और अब बिहार में शताब्दी स्मृति स्तंभ को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। गौरतलब है कि शताब्दी स्मृति स्तंभ एक निर्माणाधीन स्तंभ है जिसका निर्माण बिहार विधानसभा के शताब्दी समारोह को यादगार बनाने के लिए विधानसभा के मुख्य द्वार के ठीक सामने किया जा रहा है। इसी स्तंभ के लोकार्पण के लिए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी गुरुवार को पटना पहुंचे थे, लेकिन अब बिहार के विधानसभा परिसर में निर्मित हो रहे इस स्तंभ को लेकर विवाद शुरू हो गया है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव इस विवाद के केंद्र में हैं। उन्होंने इस स्तंभ में जड़े स्वास्तिक चिन्ह को लेकर प्रश्न खड़ा किया है और नीतीश कुमार को निशाने पर लेने की कोशिश की है। बीते गुरुवार को तेजस्वी के कार्यालय के ट्विटर हैंडल से इसको लेकर एक ट्वीट किया गया जिसमें लिखा गया था कि आज़ादी के बाद देश का यह प्रथम ऐसा स्तंभ होगा जिसमें अशोक चक्र नहीं है। नीतीश सरकार ने देश की धर्मनिरपेक्ष छवि को ध्वस्त करते हुए अशोक चक्र की जगह स्वास्तिक चिन्ह लगाया है। इस ट्वीट के बाद ही बहस का अब एक नया दौर शुरू हो गया है। हालांकि देखा जाए तो प्रतीक की राजनीति के इस दौर में पार्टियां बिना सोचे समझे भी मुद्दा खड़ा करने की कोशिश करती हैं। स्वास्तिक का चिन्ह केवल नाजियों के लिए ही आरक्षित नहीं है, जैसा कि आरजेडी ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से बताने की कोशिश की है। आरजेडी ने ट्वीट किया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बिहार विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने बिहारवासियों को चुनौती दी है कि बिहार से भी अशोक स्तंभ के प्रतीक चिन्हों को हटाकर या मिटाकर जर्मनी के नाजियों का बदनाम स्वास्तिक चिन्ह माथे पर लगा देंगे और नीतीश कुमार धृत राष्ट्र बनकर ऐसे ही सब देखते रहेंगे। हालांकि बिहार विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने तेजस्वी के इस आरोप पर प्रतिक्रिया देते हुए तेजस्वी के समझ पर सवाल खड़ा किया है। उन्होंने कहा कि तेजस्वी में समझ का अभाव है। अगर किसी चीज़ के बारे में उन्हें जानकारी नहीं है तो जानकारी ले लेनी चाहिए। स्वास्तिक का चिन्ह तो बिहार के राजकीय चिन्ह में भी शामिल है, यह कोई नया थोड़े ही है। इसके अलावा तमाम विधायकों के लेटर पैड पर भी यह चिन्ह अंकित है, खुद तेजस्वी के लेटर पैड पर मौजूद है। तेजस्वी द्वारा धर्मनिरपेक्षता पर उठाए गए सवाल के जवाब में भी बिहार विधानसभा अध्यक्ष ने जवाब देते हुए कहा कि धर्मनिरपेक्षता का मतलब यह नहीं होता कि अपने धर्म और प्रतीक चिन्हों को भूल जाया जाए, बल्कि धर्मनिरपेक्षता का मतलब यह होना चाहिए कि सभी धर्मों को मानेंगे पर अपने धर्म और उसके प्रतीक चिन्हों को भी अगले पीढ़ी के लिए बचा कर रखेंगे। तो हमारे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में नए मुद्दे के साथ।